बैक टू माय चैनल परीज ड्रीम वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम बनाने जाएंगे ये क्यूट सा स्केल। ये काफ़ी अच्छा है और इसके जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं ये भी बिल्कुल ठीक आएंगे क्योंकि हम इसे मेजर करके बनाएंगे। और इसका वे बनाने का बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजीली बन जाएगा और इसके लिए सामान की भी बहुत बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कार्डस्टॉक पेपर। उस कार्डस्टॉक पेपर के साथ हमें चाहिए कोई भी कलर की A4 शीट। मेरे पास यहाँ पे येलो है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे मेजरमेंट्स ताकि हमारे स्केल में कोई मिस्टेक ना हो जाए। और अब मैं यहाँ पे एक स्केल लेके इन ये जो लाइन है इसे लंबा कर दूँगी ताकि मुझे कटिंग में भी बहुत ईजी रहे। तो अब ये बिल्कुल हो गया है, अब हम इसको और थोड़ा काटेंगे। इसकी भी हम मेजरमेंट्स लेंगे ताकि हमारी मेजरमेंट में कोई गलती ना हो और हमारा स्केल एकदम परफेक्ट बने। ये भी हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और वो भी हो गई है। अब हम बस इसको फोल्ड करना है। फोल्ड इसको हमने थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि फोल्ड करते टाइम कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो हमें उसका ध्यान रखना है कि वो ना होए। अब हम इस कार्डस्टॉक पेपर को इसके अंदर रखेंगे और फेविकॉल से इन दोनों चीज़ों को साथ में चिपका देंगे ताकि हमारे कार्डस्टॉक पेपर के ऊपर ये येलो पेपर चिपक जाए और हमें एक बेस मिल जाए हमारे स्केल बनाने के लिए। अगर आपके पास कार्डस्टॉक पेपर नहीं है तो आप कोई भी जो नोटबुक, पुरानी नोटबुक होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस कार्डस्टॉक पेपर की बजाय। उस नोटबुक का जो पहला बिल्कुल कवर पेज होता है वो भी इसकी तरह ही बिल्कुल हार्ड होता है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी और इसे चिपका दूँगी। अब सेम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे क्योंकि हमें दूसरी साइड भी चिपकानी है। जब दोनों साइड ग्लू लग जाए तब उसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि कहीं से भी हमारे पेपर और कार्डस्टॉक पेपर के अंदर एयर ना रह जाए और दोनों चीज़ें अच्छे से चिपक जाएँ। और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसकी एक्स्ट्रा साइड्स अगर बचती हैं तो कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर अपने फेवरेट कैरेक्टर या इस स्केल को आप जैसी भी शेप देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप दे रही हूँ। अगर आप एक स्केल इस स्केल को थोड़ा पतला रखना चाहते हो, इस तरह का मोटा नहीं, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। अब हम इसको काट देंगे। अब मैंने इससे काट लिया है। अब हम इसमें एक मार्किंग्स बनाएंगे जिस तरह हम नॉर्मल स्केल में होती है। अब हम इसके लिए एक स्केल का ही यूज़ करेंगे ताकि हमारी मेजरमेंट्स बिल्कुल भी गलत ना होए और आप ये स्केल अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। ये हो गई हैं, इसे आप पेन या मार्कर के थ्रू थोड़ा मोटा कर लें ताकि आपको दिख जाए। अब हम फाइनली इसकी डेकोरेशन एंड ड्राॅइंग्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए इसके ईयर्स बनाए हैं, उनको ब्लैक मार्कर से कलर कर दिया है। और अगर आप चाहें तो कोई और एनिमल या कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने बनाई है दो आँखें। तो अब सारी डिटेलिंग्स बस ख़त्म हो गई हैं और हमारा स्केल टोटली। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्केल बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना क्यूट बना है और इसकी डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी बनी है। और अगर मैं इससे लाइंस लगाऊँ तो बिल्कुल क्लियर बनेंगी क्योंकि हमारी मेजरमेंट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा लगाओ तो और मेरा ये स्केल उससे भी ज़्यादा अच्छा लगाओ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।